स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, सर्किट डायग्राम्स को जो मैंने आपको बताया था वो सबसे पहले और गेट्स एंड देन एंड गेट का यूज करना बताया थे। आज हम सर्किट डायग्राम के पार्ट टू में पढ़ेंगे कि पहले एंड गेट का यूज करेंगे देन और गेट का यूज करेंगे। तो आप लोगों को देखेंगे इसमें कुछ इसका एक एग्जाम्पल लिया जाए। भले क्वेश्चन है एफ इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश इंटू सी इंटू डी प्लस ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी प्लस ए डैश इंटू सी डैश प्लस बी डैश इंटू डी डैश। सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जब आप इसमें देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टडी के क्लास में बताया था कि आपको सबसे पहले इसमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आपको ज्यादा जिसकी ज्यादा होंगे उसको सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंड ऑपरेटर की सबसे ज्यादा ऑपरेटर सबसे ज्यादा है, जबकि और गेट का केवल तीन ही ऑपरेटर यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे ऑपरेटर फाइंड आउट करने के बाद अब आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। हम देख रहे हैं ए बी सी डी चार वेरिएबल का यूज हुआ है। इसका मतलब कि आप जब भी इसका ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे तो ये चार वेरिएबल के यहाँ पे डिजाइन होगा। कैसे होगा इसका आप सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले चार वेरिएबल है, आप उसको ड्रॉ कर लेंगे, देन चार डेटा लाइन को ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इसको हम लोग डेटा लाइन कहेंगे। अब जब डेटा लाइन ड्रॉ हो चुका है तो डेटा लाइन के बाद हम देखेंगे दिए गए एक्सप्रेशन में, बुलियन एक्सप्रेशन में देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। पहले कह रहा है ए डैश है तो ए डैश बनाइए, ए डैश के लिए आपको नॉट का यूज करना होगा, देन दिस दिस एंड दिस। सेम बी डैश है, बी डैश के लिए आपको एक नॉट गेट का यूज करना पड़ेगा, नाउ सी और डी जो है सिंपल फॉर्मेट में है तो सी को हम लोग नॉर्मली ऐसे डेटा लाइन से एक वायर विड्रॉ करेंगे और इसको एंड गेट से पास करेंगे। यहां देखेंगे ए डैश बी डैश सी डी है तो ए डैश इंटू बी डैश इंटू सी इंटू डी आपके फॉर्मेट में आ गया है। अब देखते हैं ए बी सी के ए बी सी ए बी एंड देन सी एंड देन डी सेम गेट बनेगा ए बी सी डी फिर ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी यहां पे बढ़ गया। अब देखते हैं तीसरा इनपुट जो है ए डैश इंटू बी डैश ए डैश इंटू सी डैश है तो क्या करेंगे डेटा लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। ए डैश है तो देखेंगे ए डैश यहां पर तो देखें ए डैश यहां बन चुका है। इसका यह मतलब है कि जब भी हम ए डैश को लेंगे तो हम यहीं से ए डैश को या तो यहां से ले लें या तो हम यहां से ले सकते हैं। तो हम यहां से सीधे लाइन को विड्रॉ करेंगे और सीधे आएंगे यहां पर ए डैश। यानी सीधा सा मतलब है कि अगर नॉट का यूज हुआ है तो हम बार बार नॉट का यूज नहीं करेंगे, केवल वन टाइम यूज करेंगे एंड देन उसको हम एक वायर से उस डेटा लाइन को खींच लेंगे। अब उसके बाद से कह रहा है कि सी डैश, अब देखेंगे सी डैश के नॉट का यूज हुआ है कहीं नहीं हुआ है तो अब यहाँ पे सी के लिए बनाना पड़ेगा आपको, तो सी के लिए नॉट का यूज करेंगे देन तो यहां पे आपका हो गया ए डैश और सी डैश। आउटपुट में
ए डैश इंटू सी डैश। बात करते हैं बी डैश और डी डैश, तो देखिए यहाँ पे बी डैश बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये लाइन हम यहाँ से डेटा लाइन इनका ले सकते हैं, जबकि डी डैश का कहीं नहीं बना हुआ है, तो डी डैश के लिए हमें नॉट का यूज करना होगा। तो देखेंगे यहाँ पे लाइन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए हम उसको बी को हम यहीं से खींच लेंगे। इस वायर से जब भी आप क्रॉस करेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको जाना ही होगा, ये चीजें ध्यान रखेंगे विशेष तरह से। फिर इसके बाद डी डैश है, तो डी डैश के लिए नॉट का यूज कर लीजिए। बी डैश एंड डी डैश, बी डैश इंटू डी डैश। आप देखेंगे जब चारों का डायग्राम हमने डिजाइन कर दिया है, तो इसको हम किस गेट से फॉलो करेंगे? मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जिसके जितने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स होंगे उसको सबसे पहले डिजाइन करेंगे, और जिसके सबसे कम ऑपरेटर्स होंगे उसको एक बनाएंगे, तो इन चारों को उसी से फॉलो करना है। तो चारों क्या है, और ऑपरेटर्स बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम कुछ लाइनें ऐसे बनाएंगे कि सबको एक पास लेकर आएंगे, सभी आउटपुट सिग्नल्स को एक पास लाकर यहाँ पर और गेट्स डिजाइन कर देंगे। अब यहाँ पर जो आउटपुट जो आपने क्वेश्चन दिया गया है वो पूरा लिख देंगे, एफ इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश इंटू सी इंटू डी प्लस ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी प्लस ए डैश इंटू सी डैश प्लस बी डैश इंटू डी डैश। तो ये आपका इस के दिए इस बुलियन एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट डायग्राम डिजाइन हो चुका है। अब इसमें हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, या क्लास वर्क भी आप इसको कह सकते हैं, जिसको आपको क्लास के दौरान ही करना होगा। F इक्वल A इंटू बी इंटू सी इंटू डी प्लस A इंटू बी प्लस सी इंटू डी डैश प्लस A इंटू बी इंटू सी, जहाँ पे B डैश के फॉर्मेट में रहेगा। दूसरा है B इक्वल टू X इंटू वाई इंटू जेड, जहाँ पर X डैश और Z डैश रहेगा, प्लस x इंटू वाई डैश इंटू जेड डैश प्लस x इंटू वाई इंटू जेड प्लस y डैश इंटू जेड डैश। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन होगा आपका a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यहाँ पर b और d पे डैश है, प्लस a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ए और सी पे डैश रहेगा, प्लस ए डैश इंटू बी प्लस सी डैश इंटू डी डैश। लास्ट क्वेश्चन आपका एफ इक्वल टू पी क्यू आर एस, सभी पे डैश है, प्लस पी डैश डॉट क्यू डॉट आर डॉट एस प्लस पी डॉट क्यू, जो यहाँ पे दोनों पे डैश रहेगा, प्लस आर डैश इंटू एस डैश। बच्चों आज के लिए दिए गए जो भी मैंने सोल्यूशन बताया उसी के आधार पर मैंने चार क्लास वर्क दे रखे हैं, इन सारे क्लास वर्क को आपको कंप्लीट करना होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप हमें रिप्लाई करेंगे, चाहे आप YouTube के माध्यम से करें चाहे WhatsApp के माध्यम से करें, आप उसको कंप्लीट करके जरूर करेंगे। ये ध्यान रहे कि क्लास टाइम लिमिट के आधार पर ही होनी चाहिए, जो टाइम आपको क्लास का दिया गया है उसी टाइम के अंतर्गत आपको क्लास कंप्लीट करनी है। गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।